हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। तो आज क्या देखने है भाई? आज है बुलेट ट्रेन एंड सबरमती मल्टी मॉडल हब, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इन इंडिया। ओके, कर ले टेल का वीडियो। इनका वीडियो बहुत अच्छा होता है। कर गुड़गांव तक, कांदिवली से लेकर चर्च गेट तक, बैंगलोर एयरपोर्ट से इंट्रा सिटी के ट्रैवल तक हमें लग जाते हैं 2 घंटों से भी ज्यादा। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो कनेक्ट करेगी गुजरात के अहमदाबाद को महाराष्ट्र के मुंबई से सिर्फ 2 घंटों में। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफड़ा और लंच में खाओ वड़ा पाव। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के सबसे पहले बुलेट ट्रेन की। इंडियन रेलवेज की एवरेज स्पीड है 70-80 किलोमीटर एन आवर। 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत की ऑपरेटिंग स्पीड है 120-140 किलोमीटर एन आवर और पिछले साल लॉन्च हुई नव भारत की डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर एन आवर। और अब आ रही है भारत में एक ऐसी बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर, जो कवर करेगी 534 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटों में। बुलेट ट्रेन यानी 250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये इंस्पायर्ड है जापान के शिंकासेन ट्रेन से। जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी में ये ट्रेन तो आम सी बात है और बहुत जल्द अब इंडिया में भी ये एक आम बात ही होने वाली है। बुलेट ट्रेन आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रेन ट्रैवल और इस फ्यूचर को हकीकत में बदलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच 534 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें से 465 किलोमीटर वायाडक्ट के रूप में होगा, 10 किलोमीटर लंबे ब्रिजेस और एक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल, जिसमें 7 किलोमीटर थाने क्रीक से होकर समुद्र के नीचे से होगा। ये ट्रैक्स काफी हद तक तैयार हैं एंड ऑल दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। So out of 21 kilometers, 15 kilometer tunneling will be made through a tunnel boring machine. First time in India, we are going to use a cutter head of 13.6 meter dia. ये bullet train project National High Speed Rail Corporation Limited, यानी NHSRCL ने develop किया है। Bullet station के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 stations, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन, जिसका मतलब है सूरत फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, तो वहाँ का स्टेशन डिजाइन है अराउंड डायमंड्स। वापी इज डिजाइन अराउंड अ फ्लोइंग रिवर। अहमदाबाद में आपको दिखेंगे वाइब्रेंट काइट्स और साबरमती के स्टेशन पर आपको दिखेंगे गांधी जी के डांडी मार्च के इंस्टॉलेशन। Is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world. August 2026 में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑपरेशनल हो जाएगा एंड बाय 2028 इंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। पर इन सब से पहले साबरमती में बनकर रेडी हो चुका है साबरमती मल्टी मोडल हब। देयर आर 4 फुट ओवर ब्रिजेस ईच कनेक्टिंग द मल्टी मोडल हब और साबरमती रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, BRTS स्टैंड एंड साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, Everything under one roof. ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। मॉडल हब इज एग्जैक्टली लाइक एन एयरपोर्ट टर्मिनल। यहाँ है डेजिग्नेटेड ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल स्पेसेस, रिटेल शॉप्स, जहाँ पर पैसेंजर्स के लिए फेमस फूड चेन्स और रेस्टोरेंट्स में खाने की फैसिलिटीज होंगी। जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट, डेडिकेटेड पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ बेस होंगे। बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर वुड बी अ डेडिकेटेड एरिया फॉर पैसेंजर्स, ऑफरिंग अमेनिटीज सच एज वेटिंग एरियाज, रिटेल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ रूफटॉप गार्डन एक हिडन जेम है, नेचर और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड। In line with sustainable practices, the hub incorporates green building features such as solar panels on the terraces and abundance of natural light, providing passengers with scenic views of the surroundings.
मुझे तो 2026 का बेसब्री से इंतजार है। बुलेट ट्रेन टर्मिनल दर्शाता है इंडिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को और इससे आपको झलक मिलेगी कि किस तरह होगा द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इन इंडिया। फॉर मोर सच अपडेट्स कीप फॉलोइंग कर्ली ट्रेन। अच्छा, काफी बढ़िया है। और ऐसे अगर जो हब हैं वो हर सिटी में वैसे बनने चाहिए ना। बिल्कुल, आप देखो कि एक ही जगह पर आपको सब कनेक्टिविटी जो है वो मिल रही है और इधर से आपको ट्रांसपोर्ट, आपने मेट्रो और बुलेट को भी इसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और रेलवे, बाकी जो दूसरे बसेस हैं, आपको मतलब हर चीज जो है यहाँ से मिलती है। और उन्होंने देखेंगे वैसे आप जब रेस्ट एरिया में बैठे हैं, रेस्ट एरिया बनाया हुआ है तो साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मॉल भी मिलता है, तो वहाँ पर ब्रांड्स भी मिलते हैं। तो मतलब एक चीज होती है ना, वेट सबसे मुश्किल होता है किसी चीज का, वेट करना बैठ गया ना, तो आप अगर वहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं तो टाइम का पता ही नहीं लगेगा ना। अच्छा, वो कह रही थी कि मुझे 2026 का इंतजार है, मतलब 2026 के अंदर बुलेट, 2026 तक बुलेट हाँ आ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी बुलेट ट्रेन जो है ना वो भी। ये जो साबरमती है, मतलब ये मल्टी मॉडल हब बनाया गया है। हाँ, मल्टी मॉडल है, मतलब के इसको आप जैसे कि यहाँ पर अब बुलेट भी आएगी, यहाँ पर मेट्रो भी आपको मिलेगी, आपको दूसरा जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया का वो भी यहीं से अटैच हो जाएगा और जो बसेज हैं वो भी आपको यहीं से मिलने, तो सब चीज जो ट्रांसपोर्ट है ना स्पेशली, तो आपको सब किस्म की एक जगह से मिल रही है, तो अच्छा है। मतलब कि एक एक जगह पे आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबिलिटी है कि आप किससे। अब एक देखो कि हमारे इधर क्या होता है सिटीज में, हम पहले कहते हैं कि यार ट्रेन पे जाना है या बस पे जाना है कहीं, या तो उसके लिए ट्रेन का स्टेशन अलग जगह पे है, वो अलग पे है, तो आप एक ही जगह पे जा रहे हो, आपको सूटेबल जो भी चीज कर रही है आप देख रहे हो ये टाइम पे आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली आप निकल जाओ, तो टाइम भी बचेगा और एक ही जगह पर आप, इंडिया बहुत फास्ट हो रहा है हिसाब से। आई रिमेम्बर के हमारे गेस्ट आए थे शादी के ऊपर, तो जब वो वापस जाने लगे तो कुछ लोग जो थे वो बाय बस गए थे तो कुछ ट्रेन पे गए थे, तो फिर कुछ को स्टेशन पे ड्रॉप किया, फिर दूसरों को बस पे किया, तो अगर ऐसा सिस्टम होता तो सोचो कि एक ही जगह पर जाओ सारे इकट्ठे और जिसने ट्रेन पे बैठना है ट्रेन पे जाए, जिसने बस पे जाना है बस पे जाए, जिसने तो ये मतलब काफी इसकी शुरू पाकिस्तान में भी साल में है पाकिस्तान में साल में अभी अपने वो तो ठीक कर लो, अभी जो पुराने उनको सही, उनको सही कर लो। अच्छा सोचने में क्या जाता है, हाँ सोचो अच्छा, लेकिन ये है कि यार इंडिया तो प्रैक्टिकली कर रहा है, इंडिया में तो हो रहा है, इंडिया में तो रेवोल्यूशन हो रही है, चेंजेस आ रही है, तो मतलब काफी बढ़िया। तो चले जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।